महोदय, हमारे एक मित्र ने कहा है कि संपत्ति की रक्षा करना राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है। राज्य सरकार का काम तो सिर्फ शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के सदस्यों को क्या हो गया है। अगर राज्यों में संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, तो प्राइवेट संपत्ति की रक्षा कैसे होगी? अगर आपका कहना यह है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में राज्य सरकारें अक्षम हैं, तो मंत्री महोदय को इस प्रकार का कानून लाने से पहले उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए थे कि सन 1968 से लेकर आज तक अमुक राज्यों की सरकारें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में नाकामयाब रही है, इसीलिए हमको यह कानून लाना पड़ा है। जो अधिकार केंद्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है, अंतोतगतवा उन अधिकारों का उपयोग सुरक्षा बल और कमांडर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह न्यायपालिका के अधिकारों और पुलिस के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं है? क्या इसके कारण जिन राज्यों में विरोधी पक्ष की सरकारें हैं, उनमें और केंद्र सरकार में संघर्ष होने की संभावना नहीं है? अगर आप वास्तव में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप सार्वजनिक उद्योगों में जो दुर्व्यवस्था है, उसमें आप मजदूरों को भागीदार बनाते। अगर मजदूरों को प्रबंध में भागीदार बनाया जाता है, तो संपत्ति की रक्षा स्वयं हो जाती है। किसी प्रकार से भी मजदूर संपत्ति को नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन अभी स्थिति यह है कि मजदूरों पर आपको विश्वास नहीं है। समझ में नहीं आता कि आपकी सरकार अपने आप को समाजवादी सरकार बताती है, सोशलिज्म के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार बताती है, और आपको अपने ही देश में रहने वाले मजदूर वर्ग पर विश्वास नहीं है। यह इस बात को साबित करता है कि आप स्वयं सक्षम नहीं हैं। मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए आपके मन में इच्छा नहीं है, अन्यथा एक प्रजातांत्रिक सरकार के नाते आपका यह प्रयास होना चाहिए था कि हिंदुस्तान में मजदूरों में संघबद्धता बढ़े, उनकी यूनियनें फले फूलें, ताकि आगे चलकर नक्सलाइट वर्ग यहाँ पैदा न हो, तोड़फोड़ करने वाला वर्ग यहाँ पैदा न हो। उनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि संघबद्धता हो। वे कानून और कायदे से अपनी लड़ाई लड़ें, कानून और कायदे से हड़ताल पर जाएं, कायदे से नोटिस दें और बातचीत करें, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं पर आपको विश्वास नहीं है, इसलिए आपने इस प्रकार के कानून का अधिकार लेकर एक प्रकार से राज्य सरकारों और न्यायपालिका के अधिकारों पर अतिक्रमण किया है। माननीयवर, हमारे माननीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने जवाब देते हुए वॉच एंड वार्ड शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि केवल मूक दर्शक नहीं रह सकता है। मैं समझता हूँ कि कायदे से अगर कहीं पर अपराध होता है, तो किसी भी आदमी को मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति को साधारणतया इस देश में गिरफ्तार करने का अधिकार है। उसके सामने अगर कोई चोरी करे, तो उसे पकड़ कर सौंपे। पैरा चेंज। महोदया, इस विनियोग विधेयक में 2 अरब 80 करोड़ हमने अनाज एवं खाद की खरीद के लिए रखा है। यह बहुत दुख की बात है। जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, उनके लिए लज्जा की बात है कि इतना रुपया बाहर भेजने के बाद भी प्रतिवर्ष हम अनाज मंगाते रहते हैं और खाद को भी हम आयात करते रहते हैं। इस वर्ष जब यह संभावना थी कि हमारे देश में खाद की बहुत सी उत्पादन समस्याएं बन गई हैं और उनके द्वारा स्थान स्थान पर सिंदरी आदि स्थानों पर खाद का उत्पादन हो रहा है, तो हमें यह कल्पना करनी चाहिए थी
कि हमारे देश में खाद इतनी सुलभ, इतनी सस्ती और हर किसान के घर में जाने वाली हो जाएगी कि इससे हम खाद्य की समस्या सुलझा सकेंगे। लेकिन खाद्य की समस्या सुलझने की बात तो अलग रही, खाद के बारे में हम और टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। अभी हमारे कृषि मंत्रालय की तरफ से सारे भारतवर्ष के राज्यों के किसानों को हरित क्रांति के अंतर्गत एक लुभावना, दूर से अच्छा दिखने वाला कागज़ फेंका गया और उसमें यह बताया गया कि शंकर मिश्रा जो बीज है, गेहूं का सोनारा या मैक्सिको, उसको कोई किसान बो दे तो वह किसान 100 गुने तक प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इसके विषय में अनुसंधान हुआ और हम यह निवेदन करते हैं कि यह जो बात है यह बिल्कुल असफल हुई। मध्य प्रदेश के बहुत से किसान एक एक दो दो बीघे के किसान नहीं हैं। एक एक दो दो बीघे के जो किसान हैं, अगर उन्हें सोनारा या मैक्सिको तरह के बीज दे दिए जाएं, तो संभव है कि वे 1 किलो से लेकर 50 किलो तक, 100 किलो तक पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास 50-50, 100-100, 200-200 बीघे ज़मीन है या बड़े बड़े फॉर्म हैं, वहाँ पर यह नितांत असंभव है। यह कभी संभव होने वाली बात नहीं है कि 50 गुना या 60 गुना पैदावार हो सके। उसके कारण स्पष्ट हैं। एक तो यह कि सरकार ने इस बीज को देने के पूर्व इस बात का अनुसंधान नहीं किया और न इस बात का कि किसानों के पास इस बीज को देने के बाद पानी की समस्या का हल कर लिया गया है या नहीं। दूसरी बात यह है कि किसानों को बीज देने के बाद जो उर्वरक खाद देनी चाहिए, वह खाद उनको सस्ती मिलनी चाहिए थी, किंतु वह और महंगी हो गई है, जिसके कारण किसान को जितना लाभ उनको बतलाना चाहिए था वे उतना लाभ बतला नहीं सकेंगे। और सन 1970-71 का वर्ष कृषि के लिए उसी प्रकार से खराब रहेगा, बल्कि और भी ज़्यादा खराब रहेगा, और देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा और संभवतः हमें बाहर से अन्न की भिक्षा फिर लेनी पड़ेगी। अन्न की भिक्षा लेने के लिए बाहर के देश हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छी राय नहीं रखते हैं। बाहर के बहुत से देशों में हिंदुस्तान के लिए समाचार पत्रों में जो टिप्पणियां आती हैं उनको पढ़कर देखिए।